तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ सवाल आपसे पूछने वाले हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों, आप जो है नए मछली पालन अभी कर रहे हैं या पालन करने के लिए सोच रहे हैं, तब भी दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, आपको जो है इस वीडियो से कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप दोस्तों जो है अगर मछली पालन करते हैं तो आपके साथ कौन कौन से ऐसी जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है आपको, और आपको जो है दोस्तों जो है क्या मछली पालन में प्रॉफिट होता है या नहीं होता है, इसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे दोस्तों जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, कॉमेंट बॉक्स में आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको जो है जो आपको लगे कि आपने जो है मछली पालन से सही में फ़ायदा कमाया है या दोस्तों आपको जो है मछली पालन से नुकसान हुआ है, जो आपका जो भी एक्सपीरियंस हो आपके पास मछली पालन से रिलेटेड, वो आप दोस्तों जो है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। तो साथ ही साथ आप दोस्तों जो है कमेंट बॉक्स में ये भी टाइप कर सकते हैं कि आप कितने एकड़ में जो है मछली पालन करते हैं और दोस्तों कौन से मछली पालन में सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो जो है IMC में फायदा होता है या पंगास पालन में फायदा होता है, वो भी दोस्तों आप नीचे कॉमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। और दोस्तों, आप ये सारा कुछ अगर आप लिखते हैं तो जो भी नए जो है मछली पालक होंगे, जो मछली पालन करने के लिए सोच रहे होंगे, उनको भी थोड़ा बहुत दोस्तों जो है मदद मिल जाएगा या थोड़ा बहुत उनको भी जो दोस्तों जो है अनुभव हो जाएगा कि क्या सही में किस चीज़ में फ़ायदा है और कौन से मछली पालन में फ़ायदा नहीं है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बहुत लोगों का दोस्तों जो है आइडिया मिल जाएगा कि क्या सही में जो है मछली पालन में फ़ायदा होता है या नहीं होता है। और ये दोस्तों जो है मेंशन करना ना भूलें कि कितना एकड़ में आपको कितना फ़ायदा हुआ, जिसका दोस्तों जो है बहुत बड़ा बड़ा तालाब होता है और बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्ट करते हैं, उनको तो पता है कि फ़ायदा होता ही होता है, बट जो छोटे छोटे मछली पालक होते हैं क्या उनको जो दोस्तों जो है फ़ायदा होता है या नहीं होता है। इसलिए दोस्तों हम आपको कह रहे हैं कि आप जितना एकड़ में या जितना एरिया में आप मछली पालन करते हैं उनका जो है आप दोस्तों मेंशन जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में, यानी कि दोस्तों जो है उसके बारे में जरूर बताएं कि हाँ हम इतना एकड़ में पालन करते हैं और मुझे इतना साल में इतना फ़ायदा हुआ। तो आपको सारा कुछ जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है, तो आपको जो है सब कुछ जो है सच सच बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये नहीं कि दोस्तों जो है थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा कर आपको बोलना है, कुछ नहीं, आपको जितना भी फ़ायदा हुआ हो या मछली पालन से आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं या आपको मछली पालन करना चाहिए और लोगों को कि नहीं करना चाहिए, वो दोस्तों आपको सारा कुछ जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। जितने भी मछली पालन लोग करते हैं उनके पास आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और उनसे भी अपना राय ले सकते हैं, उनको भी बोलिए कि कमेंट बॉक्स में दोस्तों जो है आपको जो भी एक्सपीरियंस हो मछली पालन से रिलेटेड वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर दोस्तों बहुत ज़्यादा संख्या में कमेंट आता है उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से लोग जो है क्या क्या मतलब कि मछली पालन के एक्सपीरियंस बोले हैं, और आप चाहें तो आप जाकर नीचे कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों जो है कमेंट में दोस्तों जो है कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।